इत्तेहाद अल मुस्लिमीन इस इल्तिजा को कबूल करते हुए दो महीने के अंदर अगर मजलिस बल्दिया या गवर्नमेंट नहीं बनाती है तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन अपने खर्च से टीपू सुल्तान चौक बनाएगी और तमाम नौजवानों का और पुलिस का मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन शुक्रिया अदा करती है। और रफी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन निर्मल की ज़ेरे निगरानी आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर एक अजीम शान रैली गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड से लेकर टीपू सुल्तान चौक बैल बाज़ार तक निकाली गई। ये हमारे तारीख के हीरो लोग हैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें शेर मैसूर भी कहा जाता है। इनकी तारीख का मुताला करने से ये बात पता चलती है कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने चार चार मरतबा अंग्रेज़ों से फाइटिंग की। आखिरी मरतबा जब इन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी तो शिकस्त होने में हमारी सपों के ही मीर जाफर मीर सादिक का भी की वजह से टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त। तो हम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी ये पैगाम देती है कि अपनी सपों से मीर जाफर मीर सादिकों को अपने हटाया जाए। तो मैं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मुनाफिका थे कि मीर जाफर और मीर सादिक जो है वो मुनाफिकों की टीम के लोग हैं। तो मिल्लत के अंदर इंतशार पैदा करने वाले इन तमाम लोगों को टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की अजीम ज़िंदगी से सीखना चाहिए कि उन्होंने लड़ते लड़ते अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। और इंशाअल्लाह जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हिदायत पे हम लोगों ने उनके फ़ोन पे मिनिस्टर इंदिरा कन्नडी साहब से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द निर्मल के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद टावर और APJ अब्दुल कलाम मिसाइल और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यादगार को बनाया जाए। तो मिनिस्टर साहब ने दो यादगारों को तो फौरी बनाने का उन्होंने तयखुन दिया और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की भी यादगार को बनाने के लिए कुछ वक्त देने का उन्होंने असदुद्दीन अवैसी साहब से, और असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे बहादुरपुरा के MLA साहब को भेजे थे, उनके सामने भी इस बात का तयखुन दिया कि वो तमाम मुसलमानों के बिलखसूस ईदगाह और ये मुस्लिम यादगारों मुसलमान शहीदों की यादगार मुस्लिम और मुस्लिम महल जात ने कमरे लिहाज और दीगर कामों को करने का तयखुन दिया। इंशाअल्लाह आने वाले इलेक्शन से पहले वो अपने वादे में कितने उतरते हैं इसका उसके बाद में हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर ही हम शहर निर्मल में आज जो रैली में हिस्सा लेने वालों का सबका शुक्रिया। बिलखसूस आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश के मौके पर निर्मल में तमाम मुसलमानों ने निर्मल की जानिब से और टीपू सुल्तान के चाहने वालों की जानिब से मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के इजाज़त हासिल की ताकि पुरअमन तौर पर निर्मल के अंदर रैली निकाली जाए। मैं अब जनाब उस्मान साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि मोहम्मद हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में अपने ख्याल रखा था। मेरे भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, क्योंकि हमको हर साल ये रैली निकालना है मुसलमान होने के नाते इस्लाम। अरे तकबीर बरकातहू। आप तमाम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक बात यहाँ पर मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ